मैं निवेदन करना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी से, और उनको याद भी दिलाना चाहता हूं कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जब उन्होंने पहला भाषण दिया था तो उन्होंने राजनीति की शुचिता की बात की थी, उन्होंने स्वच्छ राजनीति की बात की थी और कहा था कि देश के जनप्रतिनिधियों को सबसे पहले साफ सुथरा होकर साबित होना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी की इस बात का हम स्वागत करते हैं, लेकिन एक साल में अभी तक सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की जांच के लिए कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाई गई। एक साल में अभी तक केंद्र सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, किसी को अब तक न दोषी ठहराया न उनके खिलाफ कार्रवाई की। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनके खुद के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 30% ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ संगीन अपराधों के मामले चल रहे हैं। हो सकता है वो अभी जानकारी से बेखबर हो सकता है विदेशों में यात्राएं ज्यादा करते हैं इसलिए उनको अपने ही मंत्रियों के तमाम संगीन अपराधों की जानकारी ना हो, तो पार्टी वो सारे अपराध और कागजात इकट्ठा कर रही है। और दो मामलों में दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी हम लोग मांग करेंगे, एक स्मृति ईरानी के डिग्री का मामला और दूसरा रमा शंकर कटेरिया के फर्जी डिग्री का मामला। और मुझे लगता है कि बस्सी साहब जो दिल्ली के एक बहादुर पुलिस कमिश्नर हैं, जो न्याय के प्रति जिनमें बड़ी आस्था है, वो पूरी सक्रियता के साथ रमा शंकर कटेरिया और स्मृति ईरानी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करेंगे। मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने कल विशेष रवि के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है,